मानव में संपूर्णता को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई है, इसलिए उसको व्यक्ति कहा गया। मानव ही व्यक्ति है, बाकी संसार में दूसरी कोई इकाई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मानव में व्यक्त करने का सामर्थ्य है। इसलिए हम मानव हैं, व्यक्ति होना शेष है, ऐसा भाषा दे सकते। हम मानव हैं प्राकृतिक विधि से, व्यक्ति तब हो पाए जब सत्य को समझकर व्यक्त कर पाने में समर्थ हो जाए, क्योंकि मानव सत्य को व्यक्त करने के लिए ही बना है।